जिले के कसरावा क्षेत्र के मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम निमरानी बाईपास चौराहे पर मंगलवार की शाम 7:15 के करीब रोड पर क्रॉसिंग कर रहे बाइक सवार को मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम को मंजीत ग्लोबल फैक्ट्री से छुट्टी के बाद मगरखेड़ी से धामनोद की ओर जा रहे बाइक सवार श्रमिक लखन पिता मुकेश चौधरी उम्र 24 वर्ष धामनोद घर जा रहा था। निमरानी बाईपास पर तेज स्पीड से आ रही मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल को ग्रामीणों की सहायता से ठीकरी अस्पताल पहुंचाया गया। लखन पटेल को सिर में चोट लगने से ज्यादा गंभीर घायल हो गया था, जिससे उसे धामनोद ले गए थे। वहां से तुरंत उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद परिजन सहित बड़ी संख्या में समाज जन सबको लेकर 4 बजे कंपनी गेट पहुंचे। मृतक के छोटे भाई दीपक चौधरी ने बताया कि 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग व परिवार में एक सदस्य को नौकरी की मांग रखी है। शाम 7 बजे तक कंपनी का कोई भी जवाबदार परिजनों से मिलने नहीं पहुंचा। वहीं परिजनों का कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। खबर लिखे जाने तक फैक्ट्री का कोई भी जवाबदार परिजनों से बात करने नहीं पहुंचा है। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए खरगोन से संवाददाता प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट। कल हमारा एक छोटा भाई है, वो यहाँ कार्यरत था। शाम को उसकी छुट्टी होने के बाद में बाइक से उसका एक्सीडेंट में हादसा होता है। उसके बाद में ये मंजीत मैनेजमेंट, जो मंजीत ग्लोबल के नाम से चल रहा है, इसने अभी तक ना तो परिवार से बातचीत की, ना बच्चे का संज्ञान लिया और ना ही अभी तक ये किसी प्रकार की बात मांगने के लिए तैयार है। इसीलिए आज हमने हमारे भाई की डेड बॉडी लेकर यहाँ लोगों को एकत्रित करके मंजीत ग्लोबल का फर्जीवाड़ा सबके सामने रखने के लिए हम यहाँ आए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि उस परिवार को उचित से उचित मुआवजा दिया जाए 30 लाख रुपए तक, और एक परिवार के सदस्यों को नौकरी दे। मंजीत ग्लोबल में एक मजदूर लखन मुकेश विगत 1 साल से काम करता था, और कंपनी के छुट्टी के बाद में 7:15 पे उसका निमरानी में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में कंपनी से संपर्क किया गया कुछ लड़कों के द्वारा, पर कंपनी ने कोई रिएक्शन नहीं लिया, और उसके बाद में उसको रेफर करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफर करके सीधा इंदौर ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। क्या कुछ मांगे रखी है अभी अपने कंपनी? भारतीय मजदूर संघ के द्वारा 30 लाख रुपये डिमांड रखी गई है मजदूर के कंपनसेशन में, और एक को नौकरी दिया जाए। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये गांव क्षेत्र आसपास के क्षेत्र के लोगों का है और परिजनों का भी ये कहना है। आपका नाम?